मरियम, पहले मुकदमे के हवाले से एक सवाल ले लें कि ये मुकदमा पनामा वाला, ये इमरान खान ने आपके खिलाफ नहीं बनाया था, और जिस दौर में बना था वो आप भी जानती हैं और एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे थी, तो आप नहीं समझती कि इसमें सिर्फ इमरान खान कसूरवार नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट भी कसूरवार है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? इसका बेनिफिशियरी कौन है? तो साजिशी कौन? नवाज शरीफ साहब को हटा कर जो आज साजिशी है ना, वो भी कहीं दूर बैठा हुआ है। एक सेकेंड, इसका बेनिफिशियरी जो है उसको सब पता था कि वो उसकी प्लानिंग के साथ ये हुआ, उसकी प्लानिंग के साथ नवाज शरीफ को हटाया गया। उसमें तो इतनी पसली नहीं थी कि वो इक्तदार में अपने ओन पे आ सकता, वो बैसाखियों पे आया, इस मुकदमे के थ्रू आया और नवाज शरीफ को फाउल प्ले के ज़रिए मैदान से बाहर करके आया, क्योंकि नवाज शरीफ अगर मैदान में रहता तो इमरान खान 3 जिंदगियां और होती तो वो कभी भी इस ओहदे तक नहीं पहुंच सकता था। तो इसका बेनिफिशियरी वो है, और जो इसके दूसरे जो उनके कोचेज़ हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है।